शुक्रिया। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं आज हमारा हर जगह दस्ते हुनर खिला रहा है। मैं लड़ रहा था वक्त के रथ और लोन साहब उस वक्त डिप्टी नज़ीर ने उठम जबर खबर छिया खबर को मालूम है कि मैं पिछले चार साल से साढ़े तीन साल से बारामूला में काम करता हूं और मेरी ज़िंदगी का ये अब शायद आखिरी सफ़र था एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कि मेरी रिटायरमेंट 30 नवंबर को हो रही है। इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि आज एक हफ्ते 10 दिन से तकरीबन हर जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं। ये मेरे प्रोग्राम नहीं हैं, ये प्रोग्राम मेरे टीचर्स के हैं जिन्होंने एक प्यार का इजहार कर दिया है। शायद अल्लाह का करम है कि जो सफ़र हमने बारामूला में शुरू किया था वो बहुत कठिन लगता था और इनको भी पता नहीं नज़र आती थी नहीं आती थी। एक छोटे कद का आदमी यहाँ पर आया है कि हम इनसे ये तवक्का रखें कि जितने भी टीचर्स के मसाइल हैं वो हल हो जाए और अल्लाह का करम है आज मैं खुशी से और बाइज़्ज़त जो ये हमें एग्ज़िट करा रहे हैं कि मैं 60 साल का हो रहा हूं और 30 नवंबर को इंशाल्लाह मैं यहां से निकल रहा हूं। उससे पहले इन्होंने जो प्यार दिया है जो इन्होंने प्यार दिया है उस प्यार को मैं कैसे बताऊं कि ये मेरे पास अल्फाज नहीं है। और ये नहीं एक ही फोरम नहीं एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो टीचिंग है नॉन टीचिंग है मेरे गजटेड नॉन गजटेड एडमिनिस्ट्रेटर्स और यहाँ पर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या स्टेट लेवल की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या मुझे लगता है यूनियन लेवल की भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जितना प्यार क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे भी चला गया नेशनल अवार्डी भी मैं हूँ। ये शायद मेरी अकेली काविशों का नतीजा नहीं है बल्कि मेरे साथियों की भी काविशों का एक नतीजा है जिन्होंने मिलकर मेरे साथ काम किया। आप बार बार पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया तकरीबन 31 साल मैंने इस डिपार्टमेंट में गुजारे और मुझे लगता है बस कल ही मैंने एंट्री की थी और आज एग्जिट हो रहा है। देखा कि जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला है गुलाम अहमद लोन साहब जो कि नेशनल अवार्डी है वो 30 नवंबर को यानी इसी महीने की आखिर तारीख पर वो महकमे तालीम से सबकदोश हो रहे हैं। 31 महकमा तालीम को देने के बाद एक ऑनरेबल एग्जिट उनका हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का इम्तियाज रहा है कि जब जब भी किसी ऑफिसर ने किसी भी ऑफिसर ने तंदी और लगन के साथ बच्चों और असातिज़ा के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम किया है तो टीचर्स फोरम का ये तौर इम्तियाज है कि हमने हमेशा उन अफसरान या उन अफसरों की हौसला अफजाई की और इज्जत अफजाई की है। आज आपने यहाँ बारामूला में देखा उसी कड़ी के तहत यहाँ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने एक शानदार तकरीब का इनेकाद यहाँ पे किया था जिसमें हमारे पूरे जिले से हमारे एग्जीक्यूटिव से ZP से डिस्ट्रिक्ट बॉडी मेंबर्स से UD बॉडी मेंबर्स से सब ने आके अपना प्यार जो CO साहब के कई हमारे दिलों में था उसको जताया और CO साहब की जो कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ हमने पूरी आवाम के सामने हम लाना चाहते हैं कि जो काम उनने यहाँ 3.5 साल किया है वो बिल्कुल काबिल सराहना है। हम उसकी सराहना करते हैं और आने वाला जो अब हमारा नया ऑफिसर होगा जो इस बहुत बड़े जिले को की क़यादत जिसके हाथों में दी जाएगी हम उम्मीद करते हैं कि उसके लिए भी एक लाइन खींची है वो उस लाइन को फॉलो करते हुए ज़िला बारामूला को हम और ज़्यादा तारकियों पर देखना चाहते हैं। और आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहेंगे जो जितने भी असातिज़ा हैं हम कमिटेड हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे असातिज़ा क्लासरूम में कमिटेड हैं बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से।